हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के बजे हैं 10:30, तो काम सब हो गया हमारा, ब्रेकफास्ट भी हो गया। आज मैं कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि लेट हो रहा था और काम बहुत ज़्यादा था। थोड़ा क्लीनिंग चालू था घर का, बेडशीट कवर ये वो सब निकला था, सोफा कवर, तो फटाफट से सब करना था। तो आज धूप हुई है थोड़ी, अच्छा है मौसम, तो सोचा कि ये सब निकाल देते, आज हो जाएगा, सूख भी जाएगा अच्छे से। तो इसके लिए काम ज़्यादा था और अभी भी मैं जा रही हूँ मार्केट। फिर मार्केट से आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ और ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मैं मार्केट जाके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी हूँ लंच बनाना, और पैन में ऑयल डाली हूँ। ऑयल गर्म हो गया है तो मैं उसमें ऐड कर दी हूँ जीरा। जीरा चटकने लगा है तो मैं उसमें ऐड कर दी हूँ हरी मिर्च, और हरी मिर्च अच्छे से भून गई है तो मैं उसमें ऐड करी हूँ प्याज। प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक भून लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टोमेटो और ढक के 2 मिनट के लिए रख दूंगी ये। और देखिए टोमेटो हल्का सॉफ्ट हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो कटी हुई सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी है, वही बना रही हूँ। तो इसमें मसाला कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ नमक ऐड करी हूँ और वही प्याज लहसुन और हरी मिर्च, बस इसमें मसाला कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक, और नमक ऐड करने के बाद इसको ढक के रख दूंगी। कम से कम 10 मिनट जाएगा इसको पकने में, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी निकलता है, तो इसको 10 मिनट जाएगा पकने में। और मैं आटा लगा ली हूँ तो मैं बना लूँगी फटाफट से रोटी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है तो सबको भूख भी लगी है। तो लंच हमारा हो गया और किचन क्लीनिंग, बर्तन वगैरह भी सब साफ करके रख दी हूँ मैं। तो अभी मैं ये सामान रख रही हूँ, मार्केट गई थी लेके आई थी ये सब। और आरुष बोल रहे थे गुलाब जामुन बनाने को अदिति, तो वही गुलाब जामुन का लेके आई हूँ पैकेट। अभी इसको देखूँगी, बनाऊँगी तो रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और मैं गई थी तो बहुत सारा टोस्ट, फ्रूट ये सब लेके आई हूँ। ये जाते हैं तो 2-3 सामान लेके आते हैं, और घर पर जब लेके आते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, कुछ सामान दिखता ही नहीं इनका। ये एक्चुअली सारे आदमी लोगों को लोग का ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनको उतना नहीं पता है ना कि मतलब कितनी लगती है घर में कैसे क्या। तो इसके लिए आज मैं गई थी, तो मैं जाती हूँ तो मतलब सामान ले लेती हूँ इतना सारा कि 1 वीक 10 दिन तो निक उसमें। बिस्किट वगैरह भी बच्चे हैं घर में तो लगता ही है। और मार्केट से आने के बाद इतना काम बढ़ जाता है कि क्या बोलूँ मैं अभी। उसको वॉश करो, सेनेटाइज करो। तो लंच बना रही थी और साथ में जब दाल और सब्जी हो रही थी तो मैं फटाफट से गई, इसको भी वॉश करके रख दी थी, क्योंकि थैले में पड़े रहता है तो खाने पीने की चीज़ें रहती है तो बच्चे लोग जा के बार बार टच करते हैं उसको, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इसको वॉश करके रख दो। तो देखिए रख दी थी तो ये सूख भी गया है, अब मैं इसको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। चलिए मैं ये सब रख लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, और मैं गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। चाशनी भी बन के रेडी हो गई है और इसके गोले भी बना के रख ली हूँ गुलाब जामुन के, तो उसको तल रही हूँ। और आरुष को देखिए, इनको रहा नहीं जा रहा है, ये बोल रही कि इसमें मत डुबाओ, चाशनी में मत डुबाओ, मुझे ऐसे ही दे दो खाने के लिए। तो पैकेट के आसपास कब से घूम रहे थे, उनको लगा कि इसको मतलब इसमें कैसे हम डब्बे का ख़रीद के लेके आते हैं, रेडी रहता है, उसको खाते हैं, तो उनको ऐसा ही लग रहा था। बट जब मैं खोल के दिखाई तो वो शौक रह गए, बोले अरे ये क्या है, इसका क्या होगा। तो मैं बोली बनेगा तो वही मेरे पीछे पड़े कब से, बनाओ बनाओ। तो मैं सोची कि चलो बना ही देती हूँ फिर अभी। और आरुष को मीठा ज़्यादा पसंद है तो, और अदिति को तीखा पसंद है, तो अदिति बोल रही हैं इनके लिए गुलाब जामुन बन रहा है तो शाम को मेरे लिए सैंडविच बनाना। तो
तो मैं बोली ठीक है, तो फिर आज डिनर में ब्रेकफास्ट में करते लोग सैंडविच, पर मैं आज डिनर में बनाने वाली हूँ। आरुष को 10 मिनट भी वेट नहीं हो रहा था कि थोड़ा सा गलने दे, लीजिए आप लोग भी खाइए, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि मैं पूछी नहीं आप लोगों को। खा भी दिए, लो ले जाओ दीदी को दे दो। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं गुलाब जामुन एंजॉय करने, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी बज रहे हैं 7 और डस्टिंग वगैरह सब हो गई मेरी, तो मैं ये चेंज कर रही हूँ बेडशीट। एक्चुअली सुबह में ही मैं निकाल के रख दी थी वॉश करने के लिए, क्योंकि आज अच्छी धूप हुई थी तो मैं सोची सूख जाएगा, तो सुबह से लगाई नहीं थी बेडशीट, मैं सोची वही सूख जाएगा तो वही लगा दूँगी, बट जब सूख गई तो मन नहीं किया, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोची कि आज यही लगा देती हूँ। कोई कोई कलर होता है ना कि मन को बहुत सुकून देता है हमारे, तो मुझे ये वाला बेडशीट बहुत पसंद है, तो यही लगाने के बाद फिर मैं जा रही हूँ पूजा करने। अच्छा, तो अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने, तो सैंडविच बनाने के लिए मैं तैयारी सब कर रही हूँ। ये आलू है बॉयल करी थी तो इसको मैं थोड़ा सा भून ली हूँ, और ये है ब्रेड, और ये देखिए प्याज, बीट, टोमेटो, ककड़ी और शिमला मिर्च आरुष बता रहे, और ये पीसी हूँ मैं चटनी ब्रेड में लगाने के लिए, ये करी और लहसुन मिर्ची टोमेटो यही सब मिक्स है, धनिया नहीं था, धनिया रहता तो और अच्छा होता। तो सैंडविच बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, तो ब्रेड में एक साइड लगा रही हूँ चटनी, फिर चटनी लगाने के बाद दूसरी परत में लगा रही हूँ ये भुने हुए आलू, फिर इसके बाद ये सारे कटे हुए वेजिटेबल्स सब मैं इस पे रख दूँगी, और इसके बाद फिर ब्रेड का एक लेके उस पे चटनी लगा के फिर मैं इसको ढक दूँगी। तो सैंडविच तो सभी बनाते हैं बट सबका तरीका अलग अलग होता है, ये मेरा तरीका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसी तरह से सारे सैंडविचेस बना लूँगी मैं, और इसके ऊपर दोनों साइड पलटी करके मैं लगा रही हूँ बटर, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं रिफाइन ऑयल। तो दोपहर में बना था आरुष के पसंद का, अभी डिनर में बन रहा है अदिति के पसंद का, तो घर में 2 बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है कि उनको बुरा ना लगे, इसके लिए मैं बोली कि ठीक है अदिति बोल रही है तो वो भी बना देती हूँ मैं। तो डिनर हमारा हो गया और काम भी सब फिनिश हो गया है, अभी हम आ गए हैं बेडरूम में सोने के लिए, तो मैं सोची कि ब्लॉग एंड कर देती हूँ। आरुष को थोड़ा डांट पड़ा है ना इसके लिए, बाय नहीं करोगे आरुष? ये पूरा घर में फैला के रखते हैं और अदिति बार बार उसको उठा के रखती है, तो अभी सोने के टाइम पे भी मना कर रहे थे मत हटा मत फैलाओ, तो इन्होंने पूरा फैला दिया, इसके लिए थोड़ी डांट पड़ी है इनको, तो बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। देखिए कैसे पिल्लू से छुपा के बैठे हैं सोए। तो चलिए मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।